डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 5 सितंबर का करंट अफेयर आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे करंट अफेयर देखेंगे। रंजन गोगोई होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्त हो जाने पे रंजन गोगोई CJI का चार्ज लेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि देश के चौथे CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौथे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। BSNL ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन है आप लोगों के पास, मैरी कॉम है, दीपा कर्माकर है, विकास कृष्णन है और अमित पिंगल है। आप वीडियो को रोक के एक बार कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा, उसके बाद फिर हम आंसर तो बताएंगे ही। BSNL ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सही ऑप्शन है दोस्तों, मैरी कॉम। मैरी कॉम को BSNL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे हम देखेंगे, गोगा मेडी मेला की शुरुआत राजस्थान में हुई। गोगा मेडी मेला यह एक ट्रेडिशनल राजस्थानी ऊंट और हस्तकला का मेला है जो हर साल राजस्थान के जिले गंगानगर में मनाया जाता है। तो आप लोगों से MCQ में पूछ सकता है कि गोगा मेडी मेला किस राज्य से संबंधित है, और ये भी पूछ सकता है कि उसमें किस किस चीज़ का प्रदर्शनी होती है। तो आप बता सकते हैं कि राजस्थानी एक ट्रेडिशनल राजस्थानी ऊंट और हस्तकला का मेला है। राष्ट्रपति जी का बल्गेरिया का दौरा। साइप्रस के बाद हमारे राष्ट्रपति इस समय बल्गेरिया में हैं और वहाँ पे काफ़ी कुछ बायलेटरल ट्रेड पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम पूछ सकता है क्या नाम है एक एग्जाम में, इसलिए हमने इसमें मेंशन किए हैं। सोफिया यूनिवर्सिटी में बनेगी हिंदी चेयर, आप लोग इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके वेस्ट में साइड में जाने पे यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है जो रोमानिया से साउथ में बल्गेरिया, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी इस समय हैं, विजिट किए हैं। और आप देख सकते हैं बल्गेरिया इस समय न्यूज में आ चुका है। तो इसके सराउंडिंग में कौन कौन से देश है, किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, इसकी राजधानी, इसकी करेंसी क्या है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये पूछ सकता है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि बल्गेरिया की करेंसी क्या है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। और हम देख सकते हैं बल्गेरिया की जो कैपिटल है वो सोफिया है, और इसके नॉर्थ साइड में रोमानिया है, वेस्ट में सर्बिया और मैसिडोनिया है, और साउथ में ग्रीस एंड ईस्ट साइड में तुर्की। और बल्गेरिया का एक्सेस ब्लैक सी में है, और एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्लैक सी में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। तो बल्गेरिया का एक्सेस है दुनिया में सी रूट से जाने के लिए, तो बल्गेरिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगला हमारा करंट अफेयर्स से न्यूज है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया में हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है। अगला हम कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड क्या नाम है करंट अफेयर देखेंगे। पेरिस क्लाइमेट समझौता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में होगी। आप जानते हैं पेरिस क्लाइमेट हमेशा से ही क्या नाम है न्यूज में रहा है, हमेशा से चर्चा में रहा है, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि पेरिस क्लाइमेट नाम का कोई समझौता नहीं है और इससे हम एग्जिट करते हैं। तो उसके बाद भी यूरोप के और भारत चीन जैसे देशों ने पेरिस क्लाइमेट को बचाने के लिए और अपने वचनबद्धता से प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए UN ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और इसकी अगली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में आयोजित की गई है।
और लोगों देशों ने और वहाँ के पार्टिसिपेट लोगों ने प्रतिबद्धता जताई है कि हम ग्रीन हाउसेस गैसों का इमिशन कम करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो पूछ सकता है एमसीक्यू में कि रिसेंटली यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। खो खो चैम्पियनशिप का आयोजन, खो खो चैम्पियनशिप 2018 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। खो खो देखिए एक रीजनल गेम है जो भारत से ओरिजिनेट हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार काफ़ी प्रतिबद्ध है और इसका पहली बार आयोजन इंग्लैंड में हो रहा है, जो खो खो चैम्पियनशिप 2018 के नाम से जिसका आयोजन स्थल इंग्लैंड में है और इसको पूरी तरीके से भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एक करंट अफेयर है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो 28 अक्टूबर को आयोजित होनी है या फिर समीक्षा अधिकारी में या फिर यूपीएससी में किसी में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पहली बार आयोजित हो रही है और भारत सरकार इसको फंड कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत में ओरिजिनेट हुआ हुआ खेल है और इसको हम अगला करंट अफेयर देखेंगे। जेबी टाइफून जापान के कोस्टल रीजन में तबाही मचाई। जेबी बस आप नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जेबी टाइफून अभी जापान में आया था, तो इसका एमसीक्यू करके नाम दे देगा। चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम दे सकता है, उसमें एक जेबी का नाम भी दे देगा, तो आप लोग आंसर में सही आंसर टिक करिएगा। उसके बाद हम कुछ तूफान के बारे में जानते हैं और ओशियन जहाँ से वो जनरेट होते हैं तूफान, और उन ओशियन में उनका नाम क्या है। जैसे इंडियन ओशियन में जो तूफान जनरेट होता है उसे हम चक्रवात कहते हैं, जैसे हुदहुद चक्रवात अभी पिछले साल आंध्र प्रदेश में आया था और काफ़ी कुछ तबाही मचाया था। तो ये इंडियन हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। उसके बाद प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे टाइफून कहते हैं। ये मेनली चाइना, जापान, कोरिया और फिलीपींस का जो रीजन है उधर ये जनरेट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जो जनरेट होने वाले तूफान है उसे टाइफून कहते हैं। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी प्रशांत महासागर के ही पार्ट हैं। उसके बाद हरिकेन अटलांटिक महासागर में नॉर्थ साइड में, अटलांटिक महासागर के नॉर्थ पार्ट में ओरिजिनेट होने वाला एक तूफान है। ये मेनली यूएसए, कनाडा और कैरिबियाई देश जो वेस्ट इंडीज, जमैका, एंटीगुआ, क्यूबा वगैरह हैं, इन सब रीजन को इफेक्ट करता है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे हरिकेन। उसके बाद दक्षिण प्रशांत महासागर या फिर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट में जो तूफान जनरेट होता है या फिर तूफान आता है उसका रीजनल नाम है विली विली। मैप प्रैक्टिस में आज हम देखेंगे युगांडा को। युगांडा की राजधानी है कैम पाला और वहाँ की करेंसी है युगांडा सिलिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और स्वाहिली। लेक विक्टोरिया एक बहुत वहाँ पे बहुत, ये है हमारा प्यारा भारत। और हम अपने प्यारे भारत से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ईस्ट अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री युगांडा आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा हम इसको जूम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सी लेक है जिसे हम विक्टोरिया लेक के नाम से जानते हैं और इसके वेस्ट में एक लेक है जिसे हम लेक अल्बर्ट के नाम से जानते हैं। ये लेक क्या नाम है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो और युगांडा के बॉर्डर पे है और विक्टोरिया लेक तीन देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, मतलब तीन देशों में स्प्रेड है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछ देता है कभी कभी एमसीक्यू में। और यहाँ की राजधानी कैम्पाला देख ही रहे हैं आप लोग और एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके नॉर्थ में साउथ सूडान है, वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो है और साउथ में रवांडा, द
तंजानिया और ईस्ट में केनिया है। बहुत बड़ी लेक है। तो दोस्तों आपको हम कमेंट करके बताना है कि लेक विक्टोरिया से काफ़ी फेमस नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को देखने के लिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।